इंग्रेडिएंट रवा ढोकला बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम का स्नैक्स में, या बच्चों को टिफिन में कभी भी बना सकती हैं, या घर पे कोई पार्टी करनी है तो उसमें भी आप बना सकती हैं। आप ध्यान से देखिए ये चारों तरफ से कितना स्पंजी तैयार हुआ है, और ये दही के साथ बनता है तो इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर बनाइए। इंस्टेंट रवा ढोकला बनाना शुरू करते हैं। रवा ढोकला बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है रवा। रवा आप मोटी या पतली कोई भी ले सकती हैं। हमने ये मोटी दाने वाली रवा यूज़ किया है। दही, दही 150 ग्राम है और रवा 200 ग्राम है। तड़के के लिए तेल, ग्रेट किया हुआ जिंजर और ग्रीन चिल्ली, आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट भी यूज कर सकती हैं। सॉल्ट, शुगर, ग्रीन चिल्ली को हमने बीच से काट लिया है। कुछ करी लीव्स है जिसका हम तड़का लगाएंगे। जनरल इनो और मस्टर्ड सीड। डिश करने के लिए हमने घी लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम सबसे पहले रवा को डालेंगे। तो आपको हमने बता दिया है रवा 200 ग्राम है। इसमें क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा तो ढोकला परफेक्ट बनेगा। हमने होम मेड 150 ग्राम दही लिया है तो इसे भी हम डाल देंगे। हम नमक डालेंगे तो हम 1 चम्मच नमक यूज करेंगे और 1 ग्रेटेड किया हुआ अदरक और मिर्च भी डाल देंगे। आपको बताया था हमने, आप इसके जगह पे पेस्ट भी डाल सकती हैं अदरक और मिर्च का। और शक्कर डालेंगे, तो दही आपकी अगर खट्टी हो तो शक्कर की मात्रा बढ़ा सकती हैं। हम ताजी दही यूज किए हैं तो 1 ही चम्मच शक्कर डालेंगे। और अब ये सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं रवा अपना ड्राई है। तो हमने जिस कटोरी से दही डाला था उसी कटोरी में आधा कटोरी पानी लिए हैं और इसे हम इसमें डाल देंगे और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के और रवे को मिक्स कर लिया है। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि फूलने के बाद रवा पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन से ढक के और इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम गैस पे पानी उबलने के लिए रखते हैं। ढोकला मेकर में आधा लीटर पानी रख दिए हैं और हम गैस को ऑन कर देंगे। उसके ऊपर से हम जो ये जाली आता है उसे रख देंगे। इसके जगह पे आप कोई भी रिंग डाल सकती हैं और हम ढक्कन लगा के इसे उबलने देंगे। ढक्कन लगाने से पानी में जल्दी उबाला जाएगा। हम एक ढोकला ट्रे लिए हैं, अब उसे हम ग्रीस कर लेंगे। तो हमने थोड़ा सा जो आधा चम्मच के बराबर घी लिया था उससे हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो हम चारों तरफ लगाएंगे। इससे क्या होता है, अपना ढोकला जो है वो बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। तो इसे हम अच्छे से ग्रीस करके और रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और रवा को मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं रवा फूल चुका है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ चुकी है, पर अपना बेटर जो है वो गाढ़ा दिख रहा है। तो इसमें हम 1/4 कटोरी और पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इडली के जैसी इसकी थिकनेस चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो आप देखिए ये हम चम्मच में उठा के इसे बता रहे हैं, तो ऐसी थिकनेस चाहिए इसकी। अब हम इसमें डालेंगे इनो। तो इनो को हम ऐसे खोल के और डालेंगे, और एक बात का खास ध्यान रखेंगे,
इनो डालने के बाद जब हम रवा को मिक्स करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें जो बबल्स आते हैं उसे बरकरार रहता है। और हम इसे आधा मिनट फेंटेंगे और उसके बाद हम तुरंत इसे ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे हम एक बार ऐसे ठक ठक कर लेंगे, इससे क्या होगा अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो पानी अपना उबल चुका है, अब देखिए इसमें स्टीम आने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे जिससे हाथ में भाप ना लगे, और धीरे से हम अपना ढोकला का ट्रे में सेट कर देंगे। वापस हम ढक्कन लगा देंगे और अब हम गैस का फ्लेम फुल करेंगे, यानी कि तेज रहेगा, और इसे 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। हमें गैस मीडियम नहीं करना है। हाँ, पानी का छींटा आने लगे तो आप थोड़ा स्लो कर सकती हैं, नहीं तो हम फुल फ्लेम पे ही इसे 15 मिनट स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ढक्कन को हाथ में कोई कपड़ा या ग्लव्स पहन के हटाएंगे, क्योंकि ढक्कन गर्म रहता है। अब हम इसको चेक करने का तरीका बता रहे हैं। तो एक नाइफ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और बीच में ऐसे डालेंगे। अगर आपके नाइफ में मीटर लग रहा है तो समझिए कि ढोकला कच्चा है, लेकिन अपना एकदम पक चुका है। अब हम इसे ढककर और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस को बंद कर दिए हैं। हम ढक्कन को हटा लेंगे और एक पकड़ के सहारे हम ऐसे पकड़ेंगे और ट्रे को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना ढोकला एकदम स्पंजी तैयार हुआ है। अब हम कोई एक बड़ा सा प्लेट लेंगे और इसके ऊपर हम उलट के रख लेंगे और इसको ऐसे सीधा उलट देंगे। तो इसे हम हल्का सा ऐसे टैप करेंगे और ढक्कन को हम धीरे से हटा लेंगे। ध्यान से देखिए कितना स्पंजी अपना ढोकला तैयार हुआ है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। अब हम एक तड़का पैन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे और इसे तड़कने देंगे। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे। तो इस टाइम में हम पैन को हटा लेंगे, क्योंकि मिर्च और कड़ी से तेल के छींटे आते हैं, तो इसे हम डालते टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। आप ध्यान से देखिए अभी तेल नहीं उड़ रहा है। अब हम इसे गैस पे रख के और अच्छे से तड़कने देंगे। तड़का तैयार हो चुका है, हम गैस को बंद कर लेंगे और हम एक चम्मच के सहारे इसमें से थोड़ा थोड़ा तड़का निकालेंगे और ऐसे अपने ढोकले पे डाल देंगे, क्योंकि हम तड़का पैन से डालेंगे तो एक ही जगह पड़ेगा। तो ऐसे हम फैला फैला के चारों तरफ तड़के को डाल देंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितना सुंदर अपना ढोकला तैयार हुआ है। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसको अपने मनपसंद शेप में काटेंगे। तो सबसे पहले हम बीच से ऐसे 2 भागों में काटेंगे और एक साइज से हम इसको ऐसे काट लेंगे। अब ध्यान से देखिए कितना सुंदर ढोकला तैयार हुआ है। अब हम इसके एक पीस को ऐसे नाइफ के सहारे निकालेंगे।
तो आपको हम दिखा रहे हैं बीच का स्पंजी हुआ है, इसे आप ऐसे दबा के देखिए, चारों तरफ से एक समान पका है। ध्यान से देख सकते हैं इंस्टेंट ढोकला बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।